59 class. Good morning. Good morning 9th class. आज हम आपके पहले आपने टिश्यू चैप्टर जो रिवाइज किया था उसको आगे रिवाइज करेंगे 6th चैप्टर टिश्यू 9th क्लास. ओके टिश्यू. टिश्यू किससे मिलके बना हुआ होता है? टिश्यू सेल से मिलके बना हुआ होता है. जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं. और जब वो ऑर्गन आपस में ऑर्गन सिस्टम डायफिटा ऑर्गेनिज्म. ओके टिश्यू टिश्यूज के बारे में आज हम बात करेंगे. टिश्यू ओके टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द कॉमन पॉइंट हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यू. टिश्यूज आपके एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज. ये सारे आपके टाइप ऑफ टिश्यूज बताए थे मैंने. अच्छा अब आता है सिंपल टिश्यूज के टाइप बताए थे. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा टाइप ऑफ टिश्यूज. ओके सिंपल टिश्यूज के तीन टाइप्स बताए थे मैंने. उसके डिफरेंस भी बताए थे. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सेल आर थिन वॉल्ड. कोलेन्काइमा देयर इज मूवमेंट इन द सेल वॉल. स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल इज हाईली थिक ड्यू टू थिन डिपोजिशन. ओके बेटा what does a nerve look like? Nerve किस तरह से दिखती है? Nerve look like a star having a tail. एक star की तरह nerve cell दिखाई देते हैं और having a tail. Cardiac muscles का क्या function होता है? Muscles cylinder shape के होते हैं, branched and unicellulated. They show fan cross situations. They are joined to end and by interconnecting disc. Okay. Alveolar tissues के क्या functions हैं? They bind muscular with skin. Skins के और muscular के साथ bind करके रखते हैं. They provide support to internal organ. It help in repair the tissues. Okay बेटा. टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन. ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? नर्व टिश्यू. टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस. मसल्स को बोन से ह्यूमन में ज्वाइन करने रखता है दैट इज नोन एज स्टेंटल. टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट इज नोन एज साइब. एलिमेंट दैट इज फ्लोएम. और बेटा आपका क्या होता है? फ्लोएम और होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम और आपके होते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में और फ्लोएम में खाना ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर. ओके बेटा व्हाट आर द सेम टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल? सेम टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं क्या प्लांट और एनिमल में? नहीं. सेम टाइप ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फ्लोएम और स्टोमेटा दो तरीके के प्लांट्स में पाए जाते हैं. फ्लोएम्स में फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर पार्ट टू अवर अपर पार्ट, फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट फ्लोएम में. जबकि स्टोमेटा में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट. ओके फ्लोएम में अपर टू लोअर और स्ट्रोमेटा में लोअर टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट. ओके बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम जो है कनेक्टेड टिश्यू है. जाइलम आर कनेक्टेड टिश्यू. Cells are connective tissue. Its function is to transport
its function is to transport the absorbed water and disposed mineral salt by the root to the leaves of the plants. Xylem से क्या होता है? Water transport होता है. Phloem से क्या होता है? Food transport होता है. और stomata से क्या होता है? Gas transport होती है plants के अंदर. Stomata. Okay. Write down the functions of stomata. Stomata transport. Stomata. What are stomata? Is stomata.
प्लांट्स के नोस्ट्रल भी कहलाते हैं। ओके बेटा, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा एंड व्हाट इज फंक्शन। Tissues found in animals. Okay, beta, next tissue,
tissue, connective tissue, muscular tissue and nerve tissue. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nerve tissue.
functions of epithelial cells. It performs the functions of functions to protect and cover the body organs. It performs the functions of secretion in stomach and saliva. It produces sensitivity, isoretinal. Isoretinal में sensitivity produce करती है ये. It produces sperms and egg. Sperms और egg produce करते हैं यहाँ पे. It also absorb water and other salt. They also play a role in secretion. These are the functions of epithelial tissue. Okay, beta, these are the functions of epithelial tissues. Write down. Write down the functions of epithelial tissues. Write down the functions of epithelial tissues. Functions of epithelial tissues. Next, write down the functions of connective tissue. Next one, write down the functions of connective tissue. Thank you.
कनेक्टेड टिश्यूज की क्या फंक्शंस हैं कहने दीज टिश्यूज जॉइन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी विद वन अनदर दीज टिश्यूज टू सपोर्ट टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोन्स एंड कार्टिलेज बिल्ड अप द स्केलेटन ऑफ द बॉडी दीज टिश्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट राइट आउट ओके बेटा आज आपके लिए इतना।
फंक्शन बताइए उसको भी रिप्लेस कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रही हूँ, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन करिएगा, ये बेटा इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शंस। ओके बेटा, ओके नाइन्थ क्लास, ये क्वेश्चन कीजिएगा और इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करिएगा बेटा। ओके okay.